हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कुदरत कौर। और गाइज, आज मैंने आपको वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशल लुक जो है वो क्रिएट करके दिखाई है। डे टू नाइट मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये डे मेकअप के लिए, डे टाइम मेकअप इस तरीके का आप कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं या टीनेजर्स हैं। अगर आप टीनेजर्स बिगिनर्स नहीं हैं तब भी आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट किया है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो गाइज, आई रियली वर्क हार्ड फॉर माई चैनल एंड फॉर यू गाइज़। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। आई रियली नीड योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट गाइज। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाए। और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमें लुक कैसा कैसे क्रिएट करना है। तो ऑलवेज आपको अपनी स्किन केयर जो है वो करनी है, क्लीनिंग, टोनर, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजेशन। तो दो स्टेप्स मैंने कर लिए, तो थर्ड स्टेप मैं आपके सामने जो है वो अप्लाई कर रही हूँ नीविया का मॉइस्चराइजर। ठीक है, अफोर्डेबल है इसका, छोटा भी वो जो टब में आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो किस ब्यूटी का ये वाला प्राइमर जो है जेल बेस में यूज़ कर रही हूँ, ये आपके पोर्स को फिल नहीं करता, बट मैं इसको इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा जो भी मैं मेकअप इसके ऊपर अप्लाई करूँ वो टैकी हो जाए, अच्छे तरीके से जो है इसके ऊपर स्टिक हो जाए और मेरी स्किन भी जो है वो प्रोटेक्ट रहे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर इनसाइड का ये वाला कलर कलेक्टर क्या बोल रही हूँ मैं स्लिप हो रही है टंग कलर करेक्टर पैलेट लिया है। इससे पहले मैंने ना डार्क का शेड यूज़ किया है, जो बहुत ज़्यादा डार्क है कंटूरिंग शेड, क्योंकि ऐसा शेड नहीं है जो ऑरेंज मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे बीबी क्रीम यूज़ करनी है, इसलिए मैंने पहले डार्क का लगाकर उसके ऊपर लाइटर शेड करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, और पॉन्ड्स की यहाँ पर मैं बीबी क्रीम जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी स्किन टोन से लाइटर है, दो टोन आई थिंक लाइटर है, बट यहाँ पर वीडियो में आपको और भी ज़्यादा लग रही है बिकॉज ऑफ लाइट, वो मैं आगे आपको साथ साथ में दिखाऊँगी। और इसको जो है वो कैसे आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कैसे अपनी स्किन के साथ इसको मैच करवा सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ में दिखाने वाली हूँ। और दोनों चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप अपने फेस में और हाथ में, दोनों में आपको मैं डिफरेंस दिखाने वाली हूँ बिफोर भी और आफ्टर, जब मैं इसको जो है वो सेट कर लूँगी अपनी स्किन टोन के जैसा बना लूँगी, उसके बाद भी आप इसका जो रिज़ल्ट देखिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देती है आपको, अगर आप ऐसे नेचुरल मेकअप चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप जो भी फाउंडेशन आपके पास हो आप फाउंडेशन यूज़ कर लीजिएगा। आप सेम पैटर्न में से मैंने लाइटर वाला कंसीलर लेकर आईलिड्स पर लगाया, थोड़ा सा मैंने अंडर आइज पर भी इस तरीके से फिंगर की हेल्प के साथ जो है वो लगाया है, ताकि थोड़ी सी कवरेज और मिल जाए और अगर आपके कोई डार्क सर्कल्स वगैरह हैं तो वो भी हाइड हो जाए। तो अभी देख सकते हैं थोड़ा सा ये डिफरेंस है मेरी स्किन टोन से। तो इसको आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपनी स्किन का बनाने के लिए कोई भी डार्कर शेड, कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर आपको यूज़ करना है। ये वाला इनसाइड का येलो पाउडर है, मेरी स्किन के ऊपर ये ज़्यादा ही येलो लगता है, तो अदरवाइज़ मैं इसको कम ही यूज़ करती हूँ। तो इसको आज मैं इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी कि मेरी स्किन टोन के साथ जो है वो मैच कर गया है। तो आप भी कोई भी डार्कर शेड इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी फाउंडेशन लाइट है तो डार्क है तो आप लाइटर जो पाउडर या कॉम्पैक्टर यूज़ करके इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिलारी डोडा का ये वाला पैलेट लिया है, बिगनर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। और आपको इसमें लिप ग्लॉस, आईब्रो और शिमर शेड्स, मैट शेड्स, कंटूरिंग सब कुछ आपको मिल जाता है। इसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें से पहले मैंने लाइटर ब्राउन शेड है वो पहले मैंने लेकर इस तरीके से अपनी क्रीज लाइन पर जो है वो मैंने अप्लाई की है। उसके बाद मैंने सेम पैलेट में से ये वाली जो डार्कर ब्राउन शेड है उसको मैं अपने आउटर वी पर अप्लाई करके दोनों शेड्स को ब्लेंड करके इसके बाद मैंने ब्लैक शेडो लेकर आउटर वी पर इस तरीके से अप्लाई किया है। ठीक है, देन आफ्टर मैंने मैट पिंक शेड जो मैंने आपको दिखाई है वो मैंने जो है वो अप्लाई की है। इस तरीके से बहुत ही प्यारा लुक जो है वो क्रिएट होगा और बहुत ही ईजी बीजी सा लुक है। तो दोनों आईलिड्स पर मैंने इसको लगाया और वन बाय वन इसको मैंने जो है वो ब्लेंड कर दिया। तो ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होगी तो आपका जो आई मेकअप है वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मुझे आउटर वी पर इंटेंसिटी कम लगी, थोड़ा मैंने और लेकर उसको ब्लेंड किया है। तो सेम पिंक शेड को लेकर मैंने लोअर लैश लाइन पर सेम ब्रश ही मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, तो लोअर लैश लाइन पर लगाकर सेम शेड को मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि आई लुक अच्छा सा लगे।
ठीक है, ये फर्स्ट डे फर्स्ट लुक है डे टाइम के लिए। तो सेम पैलेट में से ब्लैक शेडो लेकर मैंने एक प्रिसाइज ब्रश की हेल्प के साथ इस तरीके से लगाया है जैसे कि हम लाइनर लगाते हैं, तो बहुत इजी बीजी। अगर आपको लाइनर नहीं भी लगाना आता तो इस तरीके से आप लगा लें तो आपका मेकअप अच्छा लगेगा, आई मेकअप। और अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि लाइनर में काफ़ी टाइम लग जाता है हमें विंग बनाने में, या कि इधर उधर नहीं लग जाए तो इट टेक्स टाइम, अगर आप आई शेडो अप्लाई कर लेते हैं तो आपका टाइम भी बच जाएगा। तो सेम पैलेट में से मैंने फिर से डार्क ब्राउन शेड लेकर अपने आईब्रोज को फिल किया। तो आईब्रोज को फिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने ओवर फिल नहीं किया है, जरा सिर्फ गैप्स को थोड़ा सा शेड ही है। सेम पैलेट में से मैंने पिंक शेड लेकर इस तरीके से ब्लशर लगाया, ब्लशर थोड़ा इसका ज़्यादा पिगमेंटेड है इसलिए मैंने हैंड पर थोड़ा सा निकाल कर फिर अप्लाई किया। सेम पैलेट में जो हाइलाइटर है उसको मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पर इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा जो फेस है वो ग्लोई सा लगे और प्यारा सा लुक जो है वो लगे, प्यारा सा मेकअप लगे और ग्लोई फेस लगे। देन आफ्टर मैंने ना थोड़ी सी फेस की, नॉट फेस की, नोज़ की कंटोरिंग की है। अगर आपका ऐसा नोज़ है और आप नहीं चाहते कि पूरे फेस को कंटोरिंग करें तो आप थोड़ा सा अपने नोज़ को कंटोर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका नोज़ अगर शार्प लगने लग जाएगा तो आपका मेकअप लुक और भी एनहेंस होगा। यहाँ पर मैंने आया का मस्कारा यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने बेला वॉस्टे की जो लिपस्टिक है, जो भी शेड्स वगैरह हैं नंबर्स होंगे मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, यू कैन चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत ही प्यारा सा शेड है, गर्लिश जो शेड है इसका लिपस्टिक का, तो आप गर्ल्स जो हैं वो इस तरीके की लिपस्टिक यूज़ कर सकती हैं और लुक को भी प्यारा सा बना सकती हैं। तो अब हम इसी मेकअप को नाइट में चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने वाटर लाइन पर और लोअर लैश वाटर लाइन पर और अपर जो है टाइट लाइन किया है मैंने काजल के साथ। देन आफ्टर हुडा का ये वाला पैलेट लेकर, ये प्रेस्ड ग्लिटर्स है इसमें से सिल्वर ग्लिटर लेकर मैंने इस तरीके से अप्लाई किया। ये मेरे हाथ में ये वाला पैलेट आ गया, बट आप कोई भी ग्लिटर जो भी अफोर्डेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर विविड मैट लिपस्टिक जो है मेवलिन की वो मैंने अप्लाई की है थोड़ी सी शेड चेंज करने के लिए। देन आफ्टर ब्लैक शेडो सेम पैलेट में से लेकर मैंने काजल को स्मज किया है और सेम हाइलाइटर मैंने इस तरीके से इनर कॉर्नर पर जो है वो अप्लाई किया है। यहाँ मैं आई लुक और भी अच्छा बनाने के लिए, प्रीटी दिखाने के लिए लैशेज फॉल्सेज अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप नहीं चाहते तो आप मस्कारा भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर मैंने ज्वेलरी भी यहाँ पर थोड़ी सी चेंज कर ली है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस फॉर माय सेकंड लुक। तो आपको लुक कैसी लगी है, डे टू नाइट वीडियो कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और सपोर्ट में गाइस, जैसे मैंने पहले बोला, आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइस। लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।